came back after the break, viewers, where it was an amazing song, Saira. Literally, and a very different one. Yeah, exactly. Babri kisne likha, compose kisne kiya, aur kisne gaya. Kisne. Achha, gaya, ye wala song hum teen bandon ne gaya tha. So, Varda, me and there was another person, Sawal Khan. Okay. So, he was actually the music arranger and as well the composer. Okay. Both together. और मैं चूंकि डायरेक्टर था म्यूजिक का सो आई वांट टू गिव हिम द डायरेक्शन क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कहाँ क्या चाहिए तो लिखा जो है सारे गानों को मैंने लिखा था लिरिसिस्ट ओह नो काफी अच्छा लिखते हैं आप दांत देखें जेन्युइन दांत जेन्युइन बात बताने लगा हूँ मैंने पंजाबी पढ़ी नहीं मैंने पंजाबी गाना लिखा नहीं नहीं जिनके फेवरेट बाबा बुल्ले शाह हैं वो पंजाबी क्यों ना लिखें बिल्कुल बिल्कुल तो ये था दूसरा सॉन्ग था इसका मौलावे का जो टाइटल ट्रैक है वो भी मैंने लिखा है बट उसमें उसमें भी रैपिंग मैंने की है बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आई लव टू डू द रैप सो उसका भी रैप मैंने किया था और गाया सावल नहीं है So all of the three songs in the movie, they are very different from each other. Teri Aadat jo hai, wo romantic number hai. Ji. To wo. Wo bhi aapne likha hai. It's a slow song. It's a moody song. Moody actually. Song. Okay. Yeah, it's a moody song in a romantic kind of a mood. वो मैंने नहीं गाया वो फुली सावल नहीं गाया नहीं नहीं मैं लिखने की बात कर रही हूं लिखा मैंने लिखा आई एम श्योर इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग वो कम से कम मेरे ख्याल है कोई तीन सफों पे उसकी शायरी है सिर्फ शायरी बिकॉज उसमें ब्रेथलेस एक पोर्शन था रैप था मैं चाहता था वो ब्रेथलेस हो एक वर्ल्ड वेरी फेमस रैपर है वो उसका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शायद नाम भी है द वर्ल्ड मोस्ट फास्टेस्ट रैपर बहुत तेज करता है मुझे उसका नाम इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा तो हम मैं चाहता था कि उस तरह ब्रेथलेस हो यानी कि बीच में गैप ना आए पॉजेस ना आए सो वी हैव टू राइट एटलीस्ट टू टू थ्री पेजेस शायरी और फिर उस शायरी को गाना भी उसी तरह था कि वो खूबसूरत भी लगे बिल्कुल सो दैट वाज द पॉइंट कि आपको उर्दू में रैप करना था और वो इस तरीके से करना था कि वो अच्छा लगे और रोमांटिक नंबर के अंदर करना था यानी कि ये नहीं हो बाकी वाले लोग रैप करते हैं तो वो पापा मम्मी और चाचा और पुलिस और ये सब चीजें इट वाज नॉट उसकी शायरी भी बामानी थी तो मतलब शायरी भी खूबसूरत थी और रैप भी करना था सो दैट वाज अ डिफिकल्ट सॉन्ग बट ये है कि उसको लिखने में भी काफी टाइम लगा बट इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग वो गुड नंबर है अपने उससे तो आई लव मेकिंग म्यूजिक फॉर दिस फिल्म एंड आई विल मेक मोर म्यूजिक फॉर द पीपल इट्स व्हाट आई लाइक टू डू बाकी ये है कि आई एम नॉट अ वेरी गुड इन एज अ सिंगर एंड आई एम नॉट गोइंग टू कम इन टू द सिंगिंग प्रोफेशन बट ये है कि मुझे शौक है मैं शौक के लिए ही गाता हूँ आई एम नॉट अ वेरी कितने इंटेलेक्चुअल है ना उनको समझ आ गई होगी कि अभी अगला सवाल यही आना है कि भाई अभी एक्टिंग मॉडलिंग पहले ही जवाब दे दूंगा अच्छा कितना टाइम लगा इस मूवी को ओवरऑल कंप्लीट होने में सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने पूछी नहीं कि इसमें जो लीडिंग रोल है फीमेल फीमेल लीडिंग रोल आपकी जो हीरोइन है आपकी जो हीरोइन है वही ये मिशनरी है इसकी हीरोइन नहीं है आपका जो प्यार है वो आपका मिशन है आपका मकसद है वो खैर आपको दिखने में भी लगता है इस फिल्म का पार्ट टू भी जो है इस फिल्म का पार्ट टू भी एक्चुअली मैंने लिखा हुआ है इट्स अ सीक्वल फिल्म ये भी पहला पार्ट है फिर अगर फर्दर मुझे लगा कि मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊं तो देन आई विल मेक अ सेकंड पार्ट दैट्स व्हाई आई लीव द गैप इन द एंड ओके बिकॉज़ ही इज द वन हु लेफ्ट इन द मूवी ताकि प्री कंटिन्यू हां ताकि मैं उसको कंटिन्यू कर सकूं तो ये एक्चुअल हीरो यही था बिकॉज़ ये शुरू से लेके एंड तक बस इसको मिशनरी दिखाना था अगर आप मिशनरी ना उसको दिखाते उसकी रोमांटिक लाइफ होती तो फिर वो एंड हो जाती हां फिर उसमें कोई बात नहीं थी तो दिल में कहीं आया नहीं कि यार थोड़ा सा तो मतलब मौका मुझे थोड़ा सा एक्चुअल लाइफ में तो चलो मैं कर ही लेता हूँ लेकिन अभी तो कुछ मैं अपना हुनर दिखा सकता मतलब भाई ने मुझे मार्जिन नहीं दिया मतलब खुद मार्जिन ले जाते हैं इट वाज नॉट अ रोमांटिक इट वाज नॉट अ रोमांटिक मूवी किसने
किया रोल फीमेल की हम बात कर रहे हैं, रूप ने किया, रूप ने किया। मेरा ख्याल था कि काफी टाइम के बाद कम बैक हुआ है उनका। 5 to 6 years उसने काम नहीं किया, देन आफ्टर दैट शी स्टार्टेड। अभी उसने एक सीरियल भी किया है एस एन तालिब साहब के साथ, सो नाउ शी इज डूइंग, आई होप कि वो अच्छा करेगी और भी। पब्लिक आपने एक ड्रामा भी किया था दास्तान, उसमें आपका एक सिख विलन का रोल था, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, इसके अलावा भी और कुछ था कुछ और भी था, लेकिन हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जो हम कह रहे थे कि नहीं हम बता रहे हैं, यू हैव टू प्रूव दैट, यू हैव टू आस्क दैट, जो शादी थी वो जबरदस्ती थी, वो जबरदस्ती की शादी थी, की शादी थी। हाँ वो जबरदस्ती की शादी उसके नजर में थी ना, और तो शादी हमारी नजर में वो बेचारी भागने की ट्राई करती रहती है पूरे ड्रामे में, वो असल में वैसे उसने ज्यादती की अपने साथ तो ये है कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो सिख को ही मुसलमान कर लेती तो ज्यादा बेहतर। ड्यूरिंग मूवी जब भी आप लोग साथ होते थे काम के दौरान, तो इनका रवैया कैसा होता था, जस्ट लाइक अ बॉस और फ्रेंड? और पब्लिक बता दो, हाँ सच सच बताइए प्लीज, वी वांट टू नो। पब्लिक मेरा तो फिल्म में सिर्फ सॉन्ग की हद तक ही रहा है, रिकॉर्डिंग की हद तक तो बहुत अच्छा रहा था मुझे, यानी कि डांट देना मतलब मुझे डांट नहीं पड़ी है, मुझे ये है कि बस ठीक है दोबारा, अच्छा ठीक है दोबारा ठीक। लेकिन जब मेरा वीडियो हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्ट की बातें बताती हूँ, मैंने उस वक्त मेकअप नहीं किया हुआ था, मैं बहुत सिंपल सी इधर शुरुआत में फ्रेंड के गई, तो सारे बबरी को देखे, ये सिंगर ये बबरी ने कहा तूने तो मेरी नाक ही कट डाली। मैं चुप, मेरे को बबरी तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर, बिलीव करते हो ना? अब सारे शुरू में का अच्छा, फिर एक मॉडल भी आई हुई थी जो इनके साथ डांस कर रही थी, ये सब उनको देख रहे थे, पैंट शर्ट पहनती, सारे कहते अच्छा यार ये, तो जब तैयार होके मैं नीचे आई तो सब उसको छोड़ के मुझे देखने शुरू हो गए, तो बब्रेक आगे मुंह खुला। अच्छा मैं इसको अक्सर एक बात कहता हूँ, ये बड़े चिढ़ती है उस बात से, मैं इसको कहता हूँ तुम्हारी शक्ल एनी से मिलती है। जितने कर ली होंगी वो मेरी तरह दूरी ना, मैं तो नहीं कोप नहीं कहती कि मेरे तो नेचुरल है। शुरू शुरू में वीना के भी ऐसे ही बाल होते थे, याद करवा देती हूँ मैं, उस वक्त की बात है जब आतिश जवान, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ कि खींच खींच के स्ट्रेट हो गए थे ना, ये हुई थी बीच में स्टूपिड, जो अच्छी चीज थी वो उसने स्ट्रेट कर नहीं, असल में मैंने उनसे सुना है कि बबरे को कर्ली बाल बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो स्ट्रेट हो ना, कर्ली बाल नहीं, कर्ली बाल जो है वो बहुत फैसिनेटिंग होते हैं, बिकॉज हर किसी के होते नहीं है, जस्ट लाइक मैगी नूडल्स, बट अगर आप कर्ली हेयर्स होते हो और लॉन्ग हेयर्स हो दे लुक वेरी फैंटास्टिक। आप तो कहेंगे, मैं तो कहूंगा मैंने एक्सपीरियंस किया है, कितना एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कि लंबे भी हो इतने भी हो, आपको तो स्टाइलिश बन जाना चाहिए, लोगों को क्योंकि मेरे भी अभी स्ट्रेट करूं तो इतने हैं, लेकिन ये फिर ऊपर हो जाते हैं, खुद बहुत गुस्सा आता है यार, मेरे तो 3-4 साल से इतने इतने क्यों रहते हैं, जब मैं उनको स्ट्रेट करूंगी तो रिंग्स में बढ़ते रहते हैं, वहीं खड़े रहते गोल गोल घूमते, सारे बाल गोल गोल घूमते, और 10 साल की बात भी देखो ये अभी दिख रही10 साल हो गए क्या है आपको, आंटी हो गई है, बस आंटी की बात नहीं किया करो, बातें करेंगे यंग ब्लड की बात किसी को भी नहीं छेड़ा। क्या उम्मीद है बाबा से, क्या उम्मीद है बाबा से, आप क्या होते हैं कहते हैं
پیوستہ رہے شجر سے امید بہار. اچھا سائرہ ہمارے ساتھ تیمور ہیں, اتنی دیر سے اتنے خاموش بیٹھے ہیں, گھر میں بھی ایسے ہی ہیں یا بچپن سے ایسے ہی ہیں؟ کبھی کوئی شرارت نہیں کی, کوئی بیل ویل نہیں بجائی کسی کی؟ نہیں بھاگے, دستک دیتا ہوں, بیل نہیں بجائی. دروازہ کھلے گا ہی. باقی آپ لوگ اتنی مزے مزے کی باتیں کر رہے ہیں, اٹ واز ویری انجوائبل, تو میں تو بس. اچھا کتنے دروازے کھل چکے ہیں اس دستک سن لو جی, کتنے دروازے کھل چکے ہیں اس دستک؟ یہ اچھا آپ کو کسی کے بال یاد ہوئی کرلی تھے لمبے سٹریٹ تھے؟ سٹریٹ اس کو میں نے یاد ہے, اس کو میں نے بندے دکھائے سب لڑکیاں پوچھی ایسی بات ہے. کرلی والوں کو فائدہ نہیں, مجھے تو سلکی زیادہ. اچھا جی راہی صاحب, بھی آج مجھے کافی چپ چپ لگ رہے ہیں, ابھی چونکہ بات ہو رہی تھی بابا بلے شاہ کے حوالے سے, ان کے کلام کے حوالے سے, اور چونکہ یہ ببرے کا فیوریٹ بھی ہے تو موقع بھی ہے, دستور بھی, رسم دنیا بھی, پھر آپ کے بڑے ایک لاڈلے سپوت بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ کچھ سنائیں اگر آپ بابا بلے شاہ کا. بڑا پسند ہے اٹ کھڑکا دکڑ بجے. ایسے نہیں سنائیں گے آپ, گا کے سنوں کے ساتھ سنائیں گے آپ ہمیں. اب ٹیون بھی بنانی پڑے گی جی, فوری ایجاد کریں نا. اٹ کھڑکا دکڑ بجے تے بلدا ہووے چولا, اون فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہووے بلا. واہ واہ واہ, بانٹنے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. یہ کوئی پیسے ہیں جو کسی کو دیے تو ختم ہو جائے گی, جتنا بانٹیں گے اتنا ہی بڑھے گا, اور ریٹرن ملے گا بھی. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ, میں پکا ہوں. اچھا جی, آن سیریس نوٹ میرا ایک کوشچن ہے جو کہ میں ہمیشہ ایک انالیسس کرتی ہوں اپنی ڈراما انڈسٹری کا اور فلم انڈسٹری کا. ہماری فلم انڈسٹری کی ایک بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیں پڑھے لکھے لوگ بہت کم, چاہے آپ ڈائریکشن کے حوالے سے بات کریں, آپ پروڈکشن کے حوالے سے بات کریں, اور پھر الٹیمیٹلی آؤٹ پٹ آپ کے سامنے. اچھا میں اس میں کیوں دیتا ہوں, اکثر مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ کم ملیں. پڑھے لکھے کا فن سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بدر میر صاحب کی آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ الف بے بھی نہیں پڑھ سکتے تھے, وہ پشتو فلم انڈسٹری کے بڑی دیر تک پائنیئر رہے. اس طرح میرے والد صاحب, طارق صاحب, اس طرح آصف خان صاحب, بدر کی تو میں نے آپ کو بات بتائی, ہاں مدر, اس طرح اور بہت سارے آرٹسٹ جو ہیں وہ ابھی بھی کرنٹلی موجود ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. ڈائریکشن یا پروڈکشن کے حوالے سے, ڈائریکشن اور پروڈکشن دیکھیں, اس کے لیے بھی کوئی ایجوکیشن ضروری نہیں ہے. اہم چیز ہے ایستھیٹک سینس. اوکے, اگر آپ کے پاس ایستھیٹک سینس نہیں ہے نا, آپ خوبصورتی کو ایکسپوز نہیں کر سکتے, آپ اچھی چیزوں کو ڈھونڈ نہیں سکتے. اچھا ایسا صرف ایجوکیشن سے آپ کو مل نہیں سکتا, ایسا صحبت سے بھی مل سکتا ہے. بالکل, اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس سے آپ اچھی باتیں سیکھیں گے. شیخ سعدی سے کسی نے کہا کہ آپ نے تمیز کس سے سیکھی, اس نے کہا بدتمیزوں سے. میں نے کہا وہ کیسے تھے؟ کہتے وہ ایسے کہ میں ایک محفل میں گیا, شیخ سعدی صاحب کہتے ہیں, تو وہاں لوگ ٹانگیں کھول کر بیٹھے تھے, تو میں ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گیا. تو میں نے سیکھا ان سے کہ تمیز جو ہے وہ کیسے سیکھی جاتی ہے. اچھا اہم چیز جو ہے نا, جو اہم پوائنٹ ہے, اچھے کام کو بنانا اور اچھی چیزوں کو ایکسپوز کرنا. فلم میں جو ہمارے فائن آرٹ جو ہے ہمارا, یعنی کہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ جو کام ہے, اس کے لیے ریسرچر ہونا بہت ضروری ہے. کہ وہ ریسرچ کرتا ہو, بے شک وہ زیادہ, مگر ریسرچ کے لیے اس کو کوئی لینگویج آنا ضروری ہے. یعنی کہ یا وہ اردو پڑھے یا پھر وہ انگریزی, ہاں انگلش پڑھے, چونکہ اب دنیا انگریزی کی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ بولنے والی زبان انگریزی ہے, تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ انگریزی سیکھے. کیونکہ انگریزی سیکھنے میں کبھی عربی ہوا کرتی تھی, اس سے پہلے کبھی ہیبرو ہوا کرتی تھی, مگر یہ ہے کہ آج انگریزی کا دور ہے, آپ کو انگریزی سیکھنی پڑے گی. اگر آپ, میں نے بھی ساری ریسرچ کی ہے بیسیکلی, پھر دین آئی, میں ریسرچ بہت زیادہ کی, اٹ ٹک می مور دین سکس ایئرس میں بہت ریسرچ کرتا رہا, اور یہ عادت مجھ میں اب ڈیولپ ہو گئی ہے, تو میں گریجولی کرتا رہتا ہوں.
क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, उसको रिसर्च करने से ही आपको पता चलता है। अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग होता है, डेफिनेटली वो तब भी स्ट्रांग हो सकता है जब आपको पता हो कि कॉस्मोलॉजी कैसे काम करती है, एक कायनात चलती कैसे, तब आप चीजों को डायरेक्ट कर सकते हैं, तब आपको पता है कि कैसे इंसान का जहन काम करता है, कैसे इंसान बातों पर रिएक्ट करता है, किस बातों से इंसान खुश होता है, किससे खफा होता है, किन चीजों को वो क्या रिएक्शन देता है, ये सब आप ऑब्जर्वेशन से, रिसर्च से सीखते हैं। प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल, देखिए तजुर्बे का तो कोई शॉर्टकट नहीं है वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, मगर तालीम का शॉर्टकट है, अगर आप ज्यादा पढ़ें तो यू कैन लर्न मोर, आपको अपने उस्ताद से ज्यादा इल्म हासिल हो सकता है अगर आप उससे ज्यादा मेहनत करें, ठीक है, मगर आप उससे ज्यादा तजुर्बा हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उस फेज से गुजरते नहीं है, तजुर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं है। बट ये है कि दैट्स व्हाट आई बिलीव, तो इसी तरह इंडस्ट्री में इस तरह के लोग आने चाहिए थे जो हार्ड वर्किंग होते, रिसर्च करते और पढ़ते, बेशक पढ़ते, पढ़ के रिसर्च करते, विजुअली देख के रिसर्च, लेकिन डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क, हाँ डेफिनेटली, और ये बात मालूम होना कि मैं फिल्म का काम कर सकता हूँ या नहीं, ये खुद से जान लेना बहुत जरूरी है। बाज लोग सारी जिंदगी मैंने देखा है काम करते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो, क्योंकि शायद वो सेल्फ एनालिसिस नहीं, हाँ मैंने ऐसे हीरोज देखे हैं जो समझ लें कि प्लास्टिक के हीरोज हैं, बिल्कुल यानी कि उनका कोई डेड एक्सप्रेशन है, माँ को भी बात करें तो मुंह सीधा ही है और सिर्फ होंठ हिल रहे हैं बस, और उनकी फिल्में सुपर हिट हैं, उन लोगों ने देखी हैं, है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मैं क्रिटिसाइज करूं, बट ये है कि मैं हेल्दी क्रिटिसाइज करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको कहा, ऐसा है कि जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो वो किसी भी हवाले से उसको इज्जत दे देता है, यानी कि बस बाकी इंसान में जितने गट्स होते हैं उसको उतना ही मिलता है, exactly, जो बिल्कुल. जितने लेवल का है उसको अल्लाह उतना ही देता है, बिल्कुल. आप, मैंने अपना लेवल जो है वो कोई रखा ही नहीं, मैंने कहा जब अल्लाह से मांगना है तो फिर लेवल क्या रखना, लेवल क्या जब इंसान से मांगना है तो फिर कहना है चलो एक घर दिला दो, चलो एक बंगला दिला दो, चलो एक गाड़ी दे दो, जब उससे मांगना है जिसकी समझ लें कि लिमिट ही कोई नहीं है, तो व्हाई यू वांटेड टू कीप अ लिमिट इन इट, सीधी सी बात है कि बंदे से मांगोगे बंदे बंदे से मांगना पड़ेगा, जब उससे मांगोगे तो किसी बंदे से नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा जी, हर इंसान की लाइफ में कोई इंस्पिरेशन होती है, प्लीज मुझे इतने शॉकिंग एक्सप्रेशन मत दिया करें जब भी मैं बात कर रही होती हूँ, और हालांकि कसम ले मैं बहुत आसान से बात कर सीरियसली पूरे प्रोग्राम गो फॉर इट, थोड़ा चांस मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो तकरीबन खत्म होने को है, तो उससे पहले हम चाहेंगे कि जी अपनी मूवी के हवाले से आप व्यूअर्स को मैसेज देना चाहें। मेरे ख्याल से हमारे लोगों की सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए कि हम लोग पाकिस्तान में कुछ चेंज कर रहे हैं या कुछ अच्छी चीज लेके आ रहे हैं, तो जब आप लोग हमें नहीं करोगे, मतलब हम लोगों को पुश नहीं करोगे, हम लोगों को नहीं बताएंगे कि हमारी गलतियां क्या है, हमारी अच्छाइयां क्या है, तो हम लोग इसी में रहेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग जरूर फिल्म देखें और हमें अप्रिशिएट करें ताकि हम इस हौसले के साथ आगे निकले, यानी कि हम एक ही जगह सोच में बैठे रहें, क्योंकि आपकी सोच है तो फिर हमारी सोच है। और एंड पे मैं यही कहना चाहूंगी कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बहुत ही अच्छी मूवी जो है वो आ रही है 23rd of December, यानी कि 23 दिसंबर को मौला वे, तो हम तो जा रहे हैं बबरक के साथ देखने के लिए, बिल्कुल हम जा रहे हैं ना, ये आप सब भी जाइए और देखिए मूवी, एंड आई एम श्योर कि आपको मूवी जरूर पसंद आएगी। हमारी ढेर सारी बेस्ट विशेज आपकी मूवी के लिए, ढेर सारी कामयाबी अता फरमाए, मैं जरूर काम करूंगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पे जी रॉयल कैफे का जो वक्त है वो खत्म हुआ चाहता है, और उसकी क्लोजिंग पे हम प्ले करेंगे टाइटल सॉन्ग इस मूवी का, है ना, कि वो भी एग्जैक्टली बोला हुआ आपको उतना ही पसंद आएगा, लेकिन यहाँ पर आप मुझे यानी कि सायरा सदीकी और हिना महमूद को दें इजाजत लेके जाने से पहले एंजॉय करें ये सॉन्ग, और हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।